क्या ही मज़ा आ रहा है यार, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट होके वो मज़ा आता है। अबे टोपी लगा लिए। मौसम तो हल्का ठंडा हो गया है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, हवा थोड़ी सी ठंडी है। हेलो दोस्तों, तो फिर आप लोगों ने देखा होगा हमारा पूरा बनारस का व्लॉग देखा होगा, तो बताना आप कैसा लगा। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? चुका बीच, जो कि यूपी का पहला बीच है। हालांकि आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन आप लोग वहाँ पर जाके देखना कितना प्यारा बीच है। तो ये हम किस साइड से जाने वाले हैं? अभी ये हम बाया पीलीभीत जाएंगे। बाया पीलीभीत, हाँ जी, जो कि बरेली से लगभग 78 किलोमीटर का 78 किलोमीटर का रास्ता है बरेली से, जो कि आप लोगों को यूपी का पहला बीच है जो हम दिखाने जा रहे हैं। वहाँ जाके देखना तभी पता चलेगा। अभी तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यूपी में बीच ही नहीं है। यूपी में बीच भी हो सकता है। बीच हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है यूपी में, कुछ भी हो सकता है। अभी हम बरेली से जस्ट निकले हैं और हमारे साथ ये क्या नाम है, देव और अंश और सुरवी। हाँ भाई अंश, क्या कहना है चुका बीच के बारे में? देखा है कभी यूपी में बीच? देखा है? अच्छा, तो अभी इन लोगों ने क्या, अभी मतलब किसी ने ही नहीं देखा है बीच, तो इसलिए अब हम भी पहली बार देखेंगे। बरेली से हम निकल रहे हैं। और अगर आपको बरेली भी घूमना है तो आप एक दिन बरेली में भी स्टे कर सकते हैं। बरेली में भी बहुत सारी जगह हैं घूमने की। अभी तो फिलहाल हम चुका बीच निकलते हैं। चलो फिर चलते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं बरेली एयरपोर्ट आ गया। यहाँ से आपको बैंगलोर के लिए, मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए फ्लाइट, बहुत सारी जगह, गोवा के लिए फ़्लाइट मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं बरेली का एयरपोर्ट, ये है, ये देखिए, से कुछ दूरी पर ये रेडिसन भी है। और बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि हमारे वेलकम के लिए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा, ऐसे भी जंगल का एरिया है तो मज़ा तो आएगा ही। एकदम जो हवा है वो बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, मज़ा तो बहुत आने वाला है। हाँ, अभी आगे देखना, टाइगर हमें, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो टाइगर हमें मिलेगा जरूर देखने के लिए। बिल्कुल, थोड़ा सा डर भी लगेगा। डर तो, लेकिन उस डर के लिए जा रहे हैं। हाँ और क्या, वैसे भी ड्यू भी लेंगे ना, ड्यू ले लेंगे। बिल्कुल, पूरा जंगल घूमेंगे। ऐसा कुछ नहीं, अगर टाइगर नहीं मिले तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि हमें टाइगर नहीं मिला। एटलीस्ट हमने जंगल तो घूमा। जंगल की अपने आप में एक अलग ही वाइब होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा। तो उम्मीद तो करते हैं कि जरूर मिलेगा। मिलना तो चाहिए। क्या जा रहे हो, टाइगर के बीच में आके बैठ जाएंगे तुम लोग? गोद में बैठा के लिए कितने कह रहा था इन लोगों का। ये देखो, सावधान, मैं सड़क पार कर रहा हूँ भालू। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गोमती उद्गम स्थल पे, जहाँ से, जो कि मुझे ये चीज़ मुझे अभी पता चलती है, जो लखनऊ में गोमती नदी है ना, वो यहाँ से निकलती है। अब देखते हैं, टाइम है हमारे पास अभी, वहाँ वो तो सफारी तो 2 बजे से स्टार्ट होगी, हमारे पास 2 घंटे बचे हुए हैं। ये आप पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो को पॉज करके, है कोई बात नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे गोमती उद्गम स्थल पर आ गए हैं। हमने प्रसाद वगैरह भी चढ़ा दिया है, बाहर से हमने प्रसाद ले लिया था आपने जैसा कि देखा था, जो कि यहाँ से गोमती का सोर्स है, जो लखनऊ होते हुए बनारस में जाके ये नदी मिल जाती है, बनारस गंगा नदी में जाकर, गंगा नदी में मिल जाती है जाके। लगभग 300-400 किलोमीटर का इसका ट्रैक है ना पूरा कंप्लीट, 980 किलोमीटर पार करती है, नहीं 300 किलोमीटर लखनऊ तक का है। हाँ, उसके बाद 980 किलोमीटर के बाद गंगा नदी में जाकर के। हाँ, और ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ से बताते हैं 9 जगह से मतलब नदी निकली थी, 9 जगह से मतलब पानी अंदर से, इसमें 9 स्रोत है जहाँ से गोमती नदी निकलती है। ये यहाँ से निकली है गोमती नदी, ये देखिए, भगवान राम यहाँ पे रावण का वध करने के बाद में यहाँ आए थे। हाँ, अपना प्रायश्चित करने के लिए, जब उनको ब्रह्म हत्या लगी थी तब। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे आकर के स्नान किया था और इसलिए ये जगह बहुत फेमस है।
क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है यार। पानी देखो, पानी कितना साफ है। चलो भाई, तो फाइनली हम मुस्तफाबाद आ चुके हैं। यहाँ से हमारी सफारी है 2 बजे की, उससे पहले हम लंच वगैरह कर लेते हैं। बिल्कुल, तो फाइनली आ गए। चलो फिर उतरते हैं। चलो यार, अगर यहाँ पे खाना नहीं मिला तो क्या करेगा अब यार? यहाँ खाना नहीं मिला तो फिर अब जंगल में जाके देखना पड़ेगा। फिर जो उन्होंने बताया था चुका बीच की तरफ, हाँ वहीं जाके खाएंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। चलो यार, फिर वैसे तो उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए। तो फाइनली गाइस, हमारा खाना आ चुका है। ये दाल और पालक पनीर और रोटी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा खाना, काफ़ी अच्छा खाना है, बहुत टेस्टी है। आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं आकर के। सच में टेस्टी लग रहा है ना? अब मैं भी थोड़ा खा के देख लूँ। चलो ऐसे ऐसे बैठ रहा हूँ। ये सफारी जाएगी हमारी, जो कि 6 सीटर रहेगी बड़ी वाली। ये आप देखिए, पूरा पीछे तक बैठने का है यहाँ पे। तो चलो फिर चलते हैं जंगल सफारी के लिए। 3.5 घंटे का सफर है और भैया हमारे साथ जाएंगे। अभी चल रहे हैं ना हमारे साथ? ठीक है, चलो फिर चलते हैं। रेडी हो जाने के लिए? हाँ बस, मैं भी चलूँ? आ जाओ आ जाओ। अरे यार, तुम भी आओ। तो चलो फिर। तो अब टाइगर को देखने के लिए कैसा लग रहा है ये तो बता दो। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ टाइगर का। आप मतलब टाइगर के एक रियल टाइगर टाइगर से मिलने वाला है। तो यार गाइस, अब देखो यार, टाइगर मिलता है नहीं मिलता है, उम्मीद तो पूरी है। टाइगर हमारा बता तो रहे कि वेट कर रहा है, बाकी देखो क्या रहता है। 80% चांस रहते हैं टाइगर मिलने। अच्छा, मिल सकता है टाइगर? 80% चांसेस हैं मिलने के, भैया बता रहे हैं। हाँ वही तो भाई, यहाँ बैठ के तुम लोग के बराबर हो गया यार। वहाँ बैठ के तो बहुत ऊपर रहा था टाइगर, मुझे को देखता लग रहा है। तो सब लोग यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से स्टार्ट होगी। ये देखिए, बहुत बंदा, देखो भाई कैसे देख रहा है हमारी तरफ। ओहो भाई। तो चलो भाई, सफर स्टार्ट हो चुका है फाइनली हमारा। ये मुस्तफाबाद था ना? मुस्तफाबाद से हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है। सारी की सारी जिप्सी यहाँ से निकल चुकी हैं और उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखेंगे। जंगल की बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए और आगे चुका बीच भी पड़ेगा। मतलब 3-3.5 घंटे की पूरी राइड होने वाली है ये। अच्छा, पहले चुका बीच जाएंगे? क्या ठंडी हवा हो, क्या बात है, नेचुरल एकदम। क्या ही मजा आ रहा है यार, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट होके वो मजा आता है। अबे टोपे लगा लिए भाई। हाँ, मौसम तो हल्का ठंडा हो गया है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हवा थोड़ी सी ठंडी है। क्या बात है यार, क्या खूबसूरती है भाई साहब। तो आप लोग देखो कितनी प्यारी, मतलब ये नहर है, ये पूरा उत्तराखंड से निकलती है, ये जो कि शारदा डैम बोलते हैं हम इसे। शारदा नहर जो कि शारदा डैम से ही निकलती है। पानी देखो यार, कितना साफ पानी है, बिल्कुल एकदम ब्लू कलर का पानी, कितना क्लीन पानी है। ये देखिए आप, ये देखिए आप। अच्छा, इसी के अंदर एंट्री करने वाले हैं हम लोग। कितना चमड़ा है, रैंडम क्लिक बहुत चाहता है। और ये क्या? अच्छा अच्छा, बड़ी का अलग ही एक्सपीरियंस है। रोशनी आ गई है। तो ये देखिए पूरा, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ग्रासलैंड एरिया है ये। अच्छा, ग्रासलैंड बोलते हैं पूरा। अच्छा अच्छा, साल का फॉरेस्ट है ये। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो पेड़ जो सामने हैं ये साल फॉरेस्ट ही है। अच्छा अच्छा, 80% यहाँ पे साल का ही जंगल है, नेचुरल होता है इसका, फर्नीचर वगैरह। हाँ साल वगैरह का, तो यहाँ पर जो भैया बता रहे हैं 80% यहाँ पर जो जंगल है साल का ही है।
अच्छा भैया वो वाली जो हट हमने देखी थी जैसे स्टे करने के लिए वो यहीं पे आ गए? अच्छा वो चुका बीच के आसपास, वही तो देख रहे थे उस टाइम पे। हाँ मतलब वहाँ पर हट ऐसी है, अगर आप लोगों को जैसे रुकना हो, किसी को स्टे करना हो तो आप वहाँ पर एक दिन पहले आ सकते हैं। प्री बुकिंग होती है क्या उनकी? ऑनलाइन बुकिंग होती है। अच्छा 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 अच्छा, ये इंस्टेंट नहीं मिलती हैंड टू हैंड? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, वो भी देखना पड़ता, सीट अवेलेबल होगी कोई भी रूम का? हाँ देख लेते हैं क्योंकि लिमिटेड है ना वहाँ पे। बाकी मिल जाती है, पाँच ही हट हैं, ज़्यादा नहीं है। हाँ बाकी अगर भीड़ में आप लेंगे छुट्टियों में तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। हाँ ये सब संडे सैटरडे है तो इस दिन तो ऑलरेडी हर टाइगर अपने एरिया भी रहता है, ठीक है? हाँ ये भी नहीं हर जगह आपको तो टाइगर, ये देखिए ये पूरा मतलब टाइगर का एरिया है बता रहे हैं। टाइगर का 80% चांस वाला एरिया होता है। नहीं है सो, ये पोर्शन अलग है, ये पूरा चूका का एरिया है। तो ये देखिए यहाँ से आप सारा कुछ खरीद सकते हैं, जैकेट्स वगैरह, गॉगल्स वगैरह, जो भी आपको चाहिए, कैप वगैरह जो भी फॉरेस्ट की, और कैंटीन वगैरह भी है। पूरी की पूरी लेक है जिसे हम चूका बीच के नाम से जानते हैं, जो कि आपको यूपी का पहला बीच देखने के लिए मिलेगा। लगेगा आपको पूरा बीच की तरह, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये किसी बीच से कम है, चारों तरफ पानी पानी दिखेगा। कैसा लगा यूपी का पहला बीच? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो क्या कहना चाहेगा तू? मैं तो बस कहना चाहूंगा यार कि मैं तो आकर के बस फैन हो गया यहाँ का। सही बात है, अब लगा ना, अब तो मानेगा ना यार कि बीच है यहाँ पे। बिल्कुल, ये शारदा सागर जलाशय है, 22 किलोमीटर लंबाई का है, ये एक रिजर्व बायर स्टोर बना हुआ है, ठीक है? अभी आपको बीच टाइप नहीं दिख रहा, जब आप अप्रैल में आएंगे तो काफी दूर। हाँ मतलब पूरी की पूरी रेत आ जाती है। तो इस समय ये सारा पानी जो शारदा का आके इसमें स्टोर करते हैं, रिजर्व बायर बना हुआ है, स्टोरेज से। समझ गया, अच्छा पूरी की पूरी रेत दिखती है आगे तक। हाँ और बाकी वहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है। अनुराग फोन देना, ले निकाल ले। ये पूरा थारू हट है जिसका जो प्राइस रहेगा 5500 रहेगा दो लोगों का, क्लिक करना, जिसमें आपको वेलकम टी देखो, और देखो। कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। पीछे का भी आना चाहिए, ब्लू ब्लू एकदम मजा आ जाएगा। उधर सूर्य है यार, कहीं बने हुए देखिए, जो कि ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। आप यूपी इको टूरिज्म की साइट पर जाके बुक करा सकते हैं इसको। व्यू आ रहा है पीछे का ब्लू एकदम। ना ऊपर देखो, सिर्फ ऊपर, नीचे देखो तो चक्कर आएंगे। तो आप लोगों ने देखा ये पूरा का पूरा चूका बीच। अब फिर से चल रहे हैं हम सफारी राइड के लिए, यहाँ पे जो था हमें काफी अच्छा लगा। आओ ना, ना। चलो फिर अंश अंश। सफेद नहीं है ये, देखो इधर ये उसमें शैम्पू डाल दिया। नजारा है यहाँ का मेरे पीछे, आप देख सकते हैं पूरा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमें कितने कितने प्यारे नजारे देखने के लिए मिल रहे हैं, वो भी एकदम नेचुरल। टाइगर कभी कभी यहाँ पर सामने सड़क पर भी आ जाता है, उसके बाद सारी के सारी जिप्सी एक के पीछे एक लाइन लगाकर रुक जाती हैं, आधा आधे घंटे तक बैठा रहता है। बट आज अभी तक हमें टाइगर मिल नहीं पाया है, और अब तक हमें लगता भी नहीं है कि टाइगर हमें मिलेगा देखने के लिए। तो चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या नज़ारे हैं। ये देखो यहाँ पे ये वो है लंगूर। और मैं आपको कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो एक तो सुबह 6:30 निकलती है जंगल सफारी के लिए, और एक 2:00 निकलती है, हमने 2:00 वाली ली है। अगर आप सुबह कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो आप सुबह आ जाइए मॉर्निंग में, 6:30 वाली ले लीजिए, उसके बाद फिर 2:00 का टाइम है। ये नहीं कि आप जिस टाइम पर आ जाएँ उस टाइम पर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट का अथोराइज एरिया है। और मैंने आपको रहने का भी यहाँ पर बता दिया है, थारू हट में आप रुक सकते हैं, और सारा का सारा आपको रूट भी पता है, यहाँ पर रहने के लिए भी कोई इशू नहीं है, जिसका रेंट 5500 दो लोगों का है थारूवट का, और उसको आप यूपी इको टूरिज्म की साइट पर जाके बुक करा सकते हैं। ले 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 ले। ये देख गया है।
तो दोस्तों 5 बज चुके हैं, पूरा सफ़र ऑलमोस्ट हमारा एंड हो चुका है, हमें टाइगर देखने के लिए नहीं मिला। तो वही चीज़ें, लेकिन हमने जंगल के बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखे हैं। जैसा कि आपने देखा, ऐसा नहीं है कि टाइगर आपको मिले ही मिले, ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं होती है। तो चलो फिर अब रिटर्न होते हैं, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिल पाए।